नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। और पूरा सच आज हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। पूरा सच यानी पूरी खबर। आज पूरा सच में हम बात करेंगे कश्मीर की। आज पूरा सच में पहला मुद्दा होगा कि कश्मीर पर फिर से 370 थोपने की कोशिश, क्या हो पाएगी कामयाब, या फिर 370 के नाम पर उमर अब्दुल्ला की सरकार कर रही है एक पॉलिटिकल ड्रामा। आज पूरा सच में दूसरा मुद्दा होगा कि उमर सरकार को समर्थन देने वाली कांग्रेस ने 370 पर क्यों साध रखी है चुप्पी। आखिर क्यों बीजेपी ने कहा कि 370 खत्म करके कांग्रेस कश्मीर के दलितों, आदिवासियों और ओबीसी का आरक्षण छीनना चाहती है। आज पूरा सच में तीसरा मुद्दा होगा, आखिर बीजेपी का अनुच्छेद 370 से है कितना पुराना रिश्ता। आज पूरा सच में हम आपको सुनाएंगे 370 के विरोध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले परम बलिदानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कहानी। तो आइए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर और देश की सियासत में एक बार फिर तलवारें खींच गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने राज्य के स्पेशल स्टेटस यानी अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव कल पास कर दिया था, जिसके बाद आज विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों के बीच जमकर हाथापाई हुई। सत्ता में बैठे एनडी गठबंधन के विधायकों और बीजेपी विधायकों ने एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की की। सदन में हंगामे के चलते विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दरअसल इस सारे विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 की वापसी का बैनर लहराया और बैनर पर लिखा हुआ था कि हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं। बीजेपी विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इसका विरोध किया और बीजेपी विधायकों ने खुर्शीद अहमद शेख के हाथ से यह बैनर छीन लिया। इस दौरान सज्जाद लोन और वहीदा पारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ अन्य विधायक खुर्शीद शेख के समर्थन में भाजपा विधायकों से भिड़ गए और इसके बाद विधानसभा के मार्शलों ने कई बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया। और खबरों के मुताबिक इस झगड़े में 3 विधायक घायल हुए हैं। और इस पूरे मामले पर बीजेपी का कहना है कि इंडी गठबंधन जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 की वापसी का जो प्रस्ताव लाई है वो भारतीय संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। जिस रेजोल्यूशन को इंडिया अलायंस ने कल पारित किया उसके अंतर्गत वो जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ एक नई जंग लड़ते हुए दिखाई देते हैं। आज मैं इंडिया अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि भारत की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सबको मान्य है, उस निर्णय का अपमान, उस निर्णय की अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस को, एनसी को, देश में किसने दिया? जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद दलित समाज, पिछड़े समाज को जो अधिकार भारत के संविधान के माध्यम से भारत की संसद ने सुपुर्द किए, क्या कांग्रेस नेत इंडिया अलायंस उनके खिलाफ खड़े रहेंगे? तो एक बैनर और जम्मू कश्मीर की विधानसभा में छिड़ गया संग्राम। इस बैनर को सदन में लेकर आए थे जम्मू कश्मीर आवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख। आपको बता दें कि हाल ही में हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में खुर्शीद अहमद शेख ने लंगेट विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी और बैनर लहराने वाले विधायक खुर्शीद अहमद शेख बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद के भाई हैं। ये वही इंजीनियर राशिद हैं जो बहुत विवादित हैं। जी हाँ, ये वही इंजीनियर राशिद हैं जिन पर कश्मीर में टेरर फंडिंग और अलगाववाद को बढ़ावा देने के संगीन आरोप लगे हैं। राशिद का नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर बताली की जांच के दौरान सामने आया था, जिसे एनआईए ने
घाटी में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों को फंडिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में छिड़े संग्राम का पूरा सच। विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर की नई उमर अब्दुल्ला सरकार ने सदन में दो प्रस्ताव पारित किए। पहले प्रस्ताव में पूर्ण राज्य का दर्जा मांगा गया, जिस पर सभी पार्टियां सहमत थी, जबकि दूसरे प्रस्ताव में अनुच्छेद 370 की वापसी की मांग की गई। इस प्रस्ताव को लेकर विधानसभा में लगातार हंगामा हो रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा की ये दो तस्वीरें आज और कल की हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त घमासान मचा है। दरअसल सदन में ये हंगामा 370 की बहाली से जुड़े दो प्रस्तावों को लेकर हो रहा है। पहले बुधवार को बीजेपी विधायकों के भारी विरोध के बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 को बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया गया ध्वनिमत से, और इस दौरान बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायकों ने इसे राष्ट्र विरोधी एजेंडा बताते हुए 5 अगस्त जिंदाबाद और जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है के नारे लगाए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ी चालाकी से इस बिल के प्रस्तावक चुनने में संकेतों का इस्तेमाल किया। ये प्रस्ताव केंद्र शासित प्रदेश के डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने रखा। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी हिंदू हैं और जम्मू के नौशेरा से विधायक चुने गए हैं। वहीं दूसरे दिन आवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख अनुच्छेद 370 पर बैनर देकर पहुंचे, जैसा हमने आपको बताया, और उसके बाद विधानसभा में ये हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ जो हम आपको पहले ही इसके बारे में बता चुके हैं। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन ने भी खुर्शीद शेख का समर्थन किया, तो पीडीपी विधायक वाहिदा पारा ने भी आज इसी मुद्दे पर अलग से प्रस्ताव रखा। तो दो अलग अलग प्रस्ताव सदन में बैनर लहराने के पीछे आखिर मंशा क्या है, बड़े सवाल दो भर कर सामने आ रहे हैं। और दरअसल सत्ता में आई नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि वो 370 पर ज्यादा मुखर दिखे, लेकिन पीडीपी और सज्जाद लोन की पार्टी समेत अन्य दल भी इस मुद्दे पर क्रेडिट वॉर में पीछे नहीं दिखना चाहते हैं। और सदन में इस तरह के हंगामे के चलते अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि अनुच्छेद 370 को दोबारा लागू किया जा सकता है, अगर नहीं तो केंद्र शासित प्रदेश की नई सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव क्यों पारित किया। इस सवाल का जवाब भी बीजेपी ने दे दिया है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने साफ साफ कहा कि अब अनुच्छेद 370 कभी बहाल नहीं होगा। इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को, देश के नागरिकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूं कि संसद द्वारा पारित धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा और जम्मू कश्मीर को भारत से बांटने का उनका ये प्रयास कामयाब नहीं होगा। तो उमर अब्दुल्ला की सरकार ने भले ही ध्वनि मत से विधानसभा में अनुच्छेद 370 की बहाली का प्रस्ताव मंजूर करा दिया है, लेकिन इसे फिर से बहाल करना इतना आसान नहीं है। कुल मिलाकर यह प्रस्ताव एक कागज के पुलिंदे से ज्यादा कुछ नहीं है। इसको विस्तार से समझने की जरूरत है, क्योंकि इसे अब हटाया गया तो तत्कालीन मोदी सरकार ने इसको हटाते वक्त बहुत तगड़ा होमवर्क किया था। आइए अब हम आपको समझाते हैं कि राज्य में 370 को फिर से बहाल क्यों नहीं किया जा सकता है। दरअसल जम्मू कश्मीर अब पूर्ण राज्य नहीं है बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी विधानसभा के पास सीमित शक्तियां हैं, और ऐसे में वहां की विधानसभा अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इन विषयों पर अब कानून बनाने का अधिकार केवल भारतीय संसद को है और देश की संसद में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का बहुमत नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 की वजह से भी अनुच्छेद 370 फिर से बहाल नहीं हो सकता है, क्योंकि इस कानून में केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर की विधानसभा को कानून बनाने का तो अधिकार है, लेकिन वो ऐसे कानून नहीं बना सकती जो किसी केंद्रीय कानून को प्रभावित करता हो। और इसके अलावा विधानसभा में पारित बिल या संशोधन को उपराज्यपाल की मंजूरी मिलना बहुत जरूरी है, यदि ऐसा नहीं होता तो ये निष्प्रभावी माना जाएगा। अब इस नए प्रस्ताव के को भी जो है वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और ये मंजूरी मिलना नामुमकिन है। आइए अब एक काल्पनिक स्थिति की बात करते हैं, या वो ये है काल्पनिक स्थिति कि अगर केंद्र में 5 साल बाद दूसरी पार्टी की सरकार आ जाती है, बीजेपी की बजाय किसी और पार्टी की सरकार आ जाती है, तो क्या नई केंद्र सरकार
370 को फिर से बहाल कर देगी। देखिए अब इस अनुच्छेद 370 को बहाल करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए होगा, लेकिन शायद ही कोई भी नई सरकार ऐसा करे, क्योंकि ऐसा करना एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल होगी। सुनते हैं जाने माने संवैधानिक विशेषज्ञ विनीत जिंदल का इस बारे में क्या कहना है। हम बात करें कानूनी और संवैधानिक पहलुओं की, तो इस तरह से जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस दोबारा से वापस लाना लगभग नामुमकिन है। कारण है सबसे बड़ा कि किसी भी संवैधानिक बदलाव को करने के लिए या किसी संवैधानिक आर्टिकल को किसी राज्य में लागू करने के लिए संसद के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, और इस रेजुलेशन को पास करने के लिए कि कश्मीर में दोबारा से स्पेशल स्टेटस लगाया जाए, धारा 370 या 371 की बात जो की जा रही है उसको लागू किया जाए, इसके लिए संसद के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, जो कि बहुत कठिन है। कारण है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि केंद्र में सरकार है, केंद्र में जो बैठी है, वो बिल्कुल साफ साफ पहले ही कह चुके हैं कि धारा 370 को दोबारा जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया जाएगा। तो मतलब साफ है, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 अब इतिहास बन चुका है और इसे दोबारा लागू नहीं किया जा सकता। वजह भी साफ है, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच पहले ही अपनी मुहर लगा चुकी है। उसके साथ ही 2 निशान और 2 संविधान भी खत्म हो चुके हैं। 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 और 35 को हटाने के मोदी सरकार के फैसले को सही ठहराया था। अदालत ने साफ कर दिया था तब कि आर्टिकल 370 एक अस्थाई प्रावधान था और जम्मू कश्मीर के राजा की घोषणा और विलय पत्र को देखते हुए अदालत ने यह माना था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है, और कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की संप्रभुता के दावे को भी खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई तथ्यों का उल्लेख किया था, जिससे ये पता चलता है कि विधानसभा में प्रस्ताव पास कराने के बाद भी इसे फिर से बहाल करने के लिए केंद्र सरकार और राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत पड़ेगी। 5 अगस्त 2019 को केंद्र ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए भी राष्ट्रपति के अधिकार का सहारा लिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में माना था कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 में संशोधन करने की एक तरफा शक्ति थी। दरअसल याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि अनुच्छेद 370 में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा अब अस्तित्व में ही नहीं है, लेकिन अदालत ने इस दलील को नहीं माना। तो 370 फिर से लागू करने के लिए बार बार जम्मू कश्मीर की उस संविधान सभा की दुहाई दी जाती है जिसका गठन आज से 73 साल पहले 1951 में किया गया था और जिसके सभी 75 सदस्य आम चुनाव द्वारा जनता के मत द्वारा चुने गए थे, और जम्मू और कश्मीर की इसी संविधान सभा ने राज्य के संविधान का मसौदा तैयार किया था जिसमें 370 एक अहम कानून था, और राज्य के संविधान को अपनाने के बाद नवंबर 1956 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा का अस्तित्व खत्म हो गया था। आइए अब हम आपको बताते हैं कि ऐसा सच जो बहुत कम लोगों को मालूम है। दरअसल संविधान सभा के चुनाव में जबरदस्त बेईमानी की गई। आपको यह पूरा सच जानकर हैरानी होगी कि इन चुनावों में शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर चुनावी धांधली करने के आरोप लगे थे, और आरोप तो ये तक हैं कि ये पूरा की पूरा चुनावी धांधली जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू तक इसकी खबर पहुंची तो उन्होंने भी इसकी अनदेखी की थी। और हैरत की बात है कि जो आज गला फाड़ फाड़ के ईवीएम चिल्लाते हैं, वो 1951 के इन संविधान सभा के चुनावों में हुई धांधली का जिक्र तक नहीं करते हैं। तो आइए जानते हैं इस संविधान सभा का पूरा सच। तो 1951 के जम्मू कश्मीर के संविधान सभा के चुनाव में 2 पार्टियां मैदान में थी। एक थी नेहरू के परम प्रिय मित्र शेख अब्दुल्ला के नेशनल कॉन्फ्रेंस, और दूसरी पार्टी थी हिंदू विचारधारा वाली प्रजा परिषद। प्रजा परिषद को उस समय आरएसएस का समर्थन भी प्राप्त था, और यही बात नेहरू को बहुत ज्यादा चुभती थी। चुनाव हो रहा था 75 सीटों पर। इन चुनावों को करवाने का जिम्मा तत्कालीन राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया, जिसकी गद्दी पर स्वयं
शेख अब्दुल्ला बैठे हुए थे। इस चुनाव में एक धांधली और हुई और वो धांधली थी परिसीमन की। कश्मीर के इलाके में 43 सीटें दे दी गई और जम्मू के हिस्से आई केवल 30 सीट और लद्दाख के खाते में आई सिर्फ 2 सीट। आपको लगा इसमें धांधली क्या हुई, अब हम आपको बताते हैं। जबकि उस समय प्रशासनिक जो नक्शा था राज्य का उसके हिसाब से कश्मीर का क्षेत्रफल और आबादी जम्मू के मुकाबले कम थी, इसके बाद भी कश्मीर में सीटें ज्यादा दे दी गई। और इतना ही नहीं, सीटों का परिसीमन इस तरह से किया गया कि कई हिंदू बहुल सीटों के नक्शों में छेड़छाड़ कर उन्हें मुस्लिम बहुल बना दिया गया। यानी अब्दुल्ला की ताजपोशी की तैयारी पूरी तरह से की जा चुकी थी। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। कश्मीर की 43 सीटों पर शेख अब्दुल्ला का पलड़ा भारी था तो जम्मू की 30 सीटों पर प्रजा परिषद मजबूत दिख रही थी। लेकिन शेख अब्दुल्ला ने कुछ और ही प्लान बना रखा था। जम्मू की 30 सीटों में से प्रजा परिषद के 13 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए गए। प्रजा परिषद ने इस धोखे के खिलाफ खूब शोर मचाया, खूब आवाज उठाई। श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक प्रजा परिषद ने गुहार लगाई। लेकिन लोकतंत्र के मसीहा कहे जाने वाले हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने कोई कदम नहीं उठाया। आखिर हिंदू हकों की बात करने वाली बेचारी प्रजा परिषद क्या करती, उसने विरोध स्वरूप पूरे चुनावी मैदान से ही हटने का फैसला कर लिया। और नतीजा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सभी 75 सीटों पर शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस बिना किसी विरोध के निर्विरोध चुनाव जीत गई। यानी कि पूरे राज्य में वोट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और शर्मनाक चुनावी धांधली पर अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री मैडलिन अल्ब्राइट के पिता जोसेफ कॉर्बेल ने, जो कश्मीर मामलों के बहुत बड़े जानकार थे, उन्होंने 1954 में प्रकाशित अपनी मशहूर पुस्तक डेंजर इन कश्मीर में लिखा था कि इससे अच्छी जीत कोई तानाशाह भी प्राप्त नहीं कर सकता। सुना आपने, तानाशाह जोसेफ कॉर्बेल ने किसको तानाशाह कहा था ये आपको तय करना है। खैर, यहाँ इस बात का उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है कि शेख अब्दुल्ला सिर्फ कश्मीर घाटी के कुछ जिलों के नेता थे, जम्मू और लद्दाख की जनता में उनका कोई खास प्रभाव नहीं था। लेकिन शेख अब्दुल्ला को समूचे राज्य पर थोप दिया गया और कश्मीर की पूरी संविधान सभा थाली में परोस कर शेख अब्दुल्ला को दे दी गई। और संविधान सभा में हिंदुओं की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। इसका अंजाम क्या हुआ ये हम सबको मालूम है। कश्मीर की संविधान सभा ने क्या क्या गुल खिलाए, ये क्या क्या गुल खिलाए 70 साल बाद भी इतिहास में दर्ज है और इसके दर्द आज तक भारत और कश्मीर के लोग भोग रहे हैं। लेकिन पूरा सच जानने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हर हाल में 370 वापस लाना चाहती है। और अगर 370 फिर से लागू हो गया तो जम्मू कश्मीर में दलितों, गुर्जरों, पहाड़ियों और ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण भी समाप्त हो जाएगा। और हैरत की बात है कि इस आरक्षण विरोधी फैसले को लागू करने की कोशिश में लगी उमर सरकार को कांग्रेस का समर्थन हासिल है। और ये वही कांग्रेस है जो पूरे देश में ये माहौल बनाती है कि मोदी सरकार संविधान बदलकर आरक्षण खत्म कर देगी। लेकिन कश्मीर में इंडी गठबंधन की उमर सरकार जो कर रही है उस पर कांग्रेस चुप है। आइए जानते हैं पूरा सच कि आखिर 370 का आरक्षण से क्या संबंध है। 2019 में 370 को समाप्त किए जाने से जम्मू कश्मीर में समाज के वंचित तबके को आरक्षण का लाभ देने का रास्ता साफ हुआ था। जस्टिस शर्मा आयोग की सिफारिश के बाद राज्य में एसटी आरक्षण के लाभ के लिए पहाड़ी, बकरवाल और गुज्जर समुदाय को शामिल किया गया था। और 6 फरवरी को लोकसभा ने जो संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 पारित किया, इससे जम्मू कश्मीर में पहाड़ी समुदाय जिनमें गद्दी, ब्राह्मण, कोली और पद्दरी शामिल हैं उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया था। और लोकसभा में अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 को भी मंजूरी मिली थी, जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर की अनुसूचित जाति की जो लिस्ट है उसमें वाल्मीकि समुदाय को शामिल करना है। यानी जब तक राज्य में 370 लागू था तब तक इन वंचित समुदायों को आरक्षण का लाभ हासिल नहीं था। मतलब साफ है कि 370 सीधे आरक्षण विरोधी था, लेकिन कांग्रेस और एनसी इसे फिर से राज्य में लागू करने की बात कर रही है। यानी ये दोनों पार्टियां कहा जा सकता है कि राज्य में आरक्षण को खत्म करना चाहती हैं, जैसा आरोप बीजेपी भी लगा रही है। लेकिन कितनी हैरत की बात है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कश्मीर में तो आरक्षण खत्म करने वालों के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन पूरे देश में वो घूम कर मोदी सरकार पर आरक्षण विरोधी और संविधान खत्म कर देने के आरोप लगाते हैं। तो 370 किस तरह से आरक्षण विरोधी है ये समझने के लिए आइए सुनते हैं जाने माने संवैधानिक विशेषज्ञ
विनय जनरल का क्या कहना है? पहले जो प्रणाली थी वो प्रणाली ये थी कि जो लोग एससी एसटी कम्युनिटी के थे वो लोग वहाँ पे नौकरी कर सकते थे, लेकिन किसी भी तरह की राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली जो सरकारी सुविधाएं हैं उनका लाभ नहीं ले सकते थे। उनको वहाँ की जो नागरिकता थी वो भी नहीं दी गई थी, जो कि बहुत लंबे समय से वहाँ रह रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को अगर स्पेशल स्टेटस दिया जाता है जम्मू कश्मीर को दोबारा से, तो उसके ऊपर बहुत नकारात्मक जो है वो असर आएगा। और केंद्र सरकार द्वारा जो जो कार्य किया गया है समानता लाने को लेकर एससी एसटी कम्युनिटी के लिए या पहाड़ी लोगों के लिए, कहीं ना कहीं वो बहुत घातक इन लोगों के लिए साबित होगा। तो उमर अब्दुल्ला सरकार ने जैसे ही कश्मीर में फिर से 370 थोपने की कोशिश की तो बीजेपी बेहद आक्रामक हो गई। दरअसल 370 का मुद्दा बीजेपी के लिए कोई आज का मुद्दा नहीं है। बीजेपी कई सालों से इस मुद्दे को उठाती रही है क्योंकि इस मुद्दे के साथ उसका बेहद भावनात्मक लगाव है। जनसंघ की स्थापना के साथ ही ये मुद्दा पार्टी के लिए बहुत अहमियत रखता है। पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 370 के खिलाफ देश में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का नारा दिया था। और इतना ही नहीं, इस 370 के खिलाफ मुखर्जी ने कश्मीर में जाकर अपने प्राणों का बलिदान तक दिया था। ये बात 1953 की है। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं ने प्रजा परिषद के नेतृत्व में जबरदस्त आंदोलन छेड़ रखा था, जिसे कुचलने के लिए शेख अब्दुल्ला ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी, ऐसा आरोप है। और कहा जाता है कि करीब 100 से ज्यादा लोग पुलिस की गोली से मारे जा चुके थे जो 370 का विरोध कर रहे थे। और हिंदू आंदोलनकारियों की मांग थी कि जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा है उसे खत्म कर दिया जाए और उसका भारत में पूरी तरह से विलय किया जाए और अनुच्छेद 370 को भी समाप्त किया जाए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर के हिंदुओं की मांग से सहमत थे, लिहाजा उनके नेतृत्व में जनसंघ भी, जिसे आज हम बीजेपी के नाम से जानते हैं, इस आंदोलन में शामिल हो गई। इस बीच श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू जाने का ऐलान किया और वो पंजाब के रास्ते 8 मई 1953 को अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े, लेकिन ये उनके जीवन की अंतिम यात्रा साबित हुई। उस दौर में जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के लिए इस देश के बाकी नागरिकों को भारत सरकार से परमिट लेना होता था, जम्मू कश्मीर सरकार की भी अनुमति चाहिए होती थी, लेकिन परम देशभक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये कानून मंजूर नहीं था, लिहाजा उन्होंने बिना परमिट के ही जम्मू की सीमा में दाखिल होने का ऐलान कर दिया। और 11 मई 1953 की शाम 4 बजे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके साथी मधोपुरा चेक पोस्ट पर पहुंचे, जहां उन्हें जम्मू कश्मीर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जब गिरफ्तार किया गया तो उनके साथ उनके पर्सनल सेक्रेटरी की भूमिका निभा रहे अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, जो बाद में जाकर इस देश के प्रधानमंत्री बने। और डॉक्टर मुखर्जी को आराम से जम्मू में किसी जेल में रखा जा सकता था। जम्मू के अंदर मौसम जो होता है वो ठीक होता है, लेकिन फिर भी उन्हें रात भर पहाड़ी रास्तों पर सफ़र करवाते हुए श्रीनगर लाया गया, जहां उन्हें शहर से 16 किलोमीटर दूर एक छोटे से मकान में रखा गया। इस मकान में ना फ़ोन था ना दूसरी सुविधाएं थी। और नज़रबंदी में करीब 40 दिन रहने के बाद 20 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अगले दिन यानी 21 जून को मुखर्जी को देखने के लिए सिर्फ एक जूनियर डॉक्टर को भेजा गया और आरोप है कि उन्हें गलत इंजेक्शंस लगाए गए। और 22 जून की सुबह 4:45 बजे मुखर्जी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। सुबह 11:30 बजे एम्बुलेंस में नहीं बल्कि एक टैक्सी में बैठा कर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सोचिए, सोच कर देखिए, अस्पताल ले जाने में पूरे 7 घंटे की देरी की गई। और इतना ही नहीं, उन्हें अस्पताल की पहली मंजिल तक पैदल चलाकर ले जाया गया। ऊपर से उन्हें अस्पताल के महिलाओं के डिलीवरी वार्ड में रखा गया। सवाल उठता है कि क्या कश्मीर के मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला जो समय थे ऐसे अस्पतालों में अपना इलाज करवाते होंगे? तो फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे देश के इतने बड़े नेता के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। आखिरकार उसी रात 4:45 बजे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमयी मौत हो गई। पूरे देश में ये मांग हो रही थी कि सरकार को डॉक्टर मुखर्जी की मौत की जांच करना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र के मसीहा नेहरू ने जांच से साफ साफ इनकार कर दिया। मजबूर होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बूढ़ी माँ जोगमाया देवी ने प्रधानमंत्री नेहरू को 4 जुलाई 1953 और 9 जुलाई 1953 को 2 पत्र लिखे। एक माँ की इस करुणामयी पुकार को आप बहुत ध्यान से सुनिए। उन्होंने नेहरू के इन पत्रों में लिखा था कि नेहरू जी, मुझे शर्म आती है ये सोचकर कि आप मुझे बताते हैं कि मेरे बेटे को बंगले में रखा गया था।
मैं ऐसे दुष्प्रचार से हिल जाती हूँ। मैं एक महान आत्मा की मां होने के नाते एक निष्पक्ष जांच की मांग करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भारत के लोगों को पता चले कि इस दुखद घटना के पीछे कारण क्या है, जिसे एक स्वतंत्र देश में अंजाम दिया गया और जिसमें आपकी सरकार ने भी एक भूमिका निभाई। आगे लिखती हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां कि आखिर आपको एक खुली और निष्पक्ष जांच से क्या दिक्कत है। मेरे पास पक्के सबूत हैं जिनसे काफी कुछ साबित हो सकता है। इसके बाद जुगमाया देवी लिखती हैं कि लेकिन आपने उन्हें जानने या समझने की कोई कोशिश नहीं की। आप सबूतों का सामना करने से डरते हैं। नेहरू के सामने इतनी बड़ी बात जुगमाया देवी ने कही थी। उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर की सरकार को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मानती हूं और यह आरोप भी लगाती हूं कि आपकी सरकार भी इसमें शामिल थी। ये एक मां की करुण पुकार है, लेकिन एक दिन सच सामने आएगा। एक दिन आपको, भारत के लोगों को और स्वर्ग में भगवान को भी जवाब देना होगा। ये कठोर पत्र, करुणामयी पत्र जोगमाया देवी ने, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां थी, उनने देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखा था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत के बाद 370 का जो नियम था, परमिट सिस्टम था, उसे नेहरू ने खत्म कर दिया और आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान की बदौलत ही इस देश में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान है। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे आखिर बीजेपी क्यों बोली कि आतंकी मांग रहे हैं गांधी परिवार से मदद। प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। राजा आओ आओ, ये देखो मैसेज। कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा देके ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हमी को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। तो पूरा सच में ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब हम आपको बताने जा रहे हैं बीजेपी नेता स्मृति ईरानी को क्यों कहना पड़ा कि अब आतंकी भी गांधी परिवार से मदद मांग रहे हैं। आइए आपको बताते हैं इसका पूरा सच। दरअसल जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अलगाववादी नेता यासिन मलिक की पत्नी मशाल हुसैन मलिक ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर अपने पति को इंसाफ दिलाने की मांग की है। इस पत्र में मशाल ने कहा है कि यासिन जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं और मशाल ने यह मामला राहुल से संसद में उठाने की अपील की है। इस पर जब पत्रकारों ने स्मृति ईरानी से सवाल पूछा तो स्मृति ईरानी ने कहा कि अब आतंक का सहारा लेने वाले गांधी परिवार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। क्या आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं हो रहा कि जिन्होंने आतंक मचाया जम्मू कश्मीर में, बेगुनाहों की जानें ली, यूनिफॉर्म्ड हिंदुस्तान के पर्सनल को मौत के घाट उतारा, वो सहारे और सहयोग के लिए गांधी परिवार की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं? तो ऐसा क्या है कि आतंक फैलाने वाले अब कांग्रेस से सहारा मांग रहे हैं? तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।